नमस्कार दोस्तों, दैनिक एजुकेशन टीवी में आपका स्वागत है। वंस पेंशन अपडेशन इज ओवर, ईपीआरएफ विल हैव नो एक्सिस्टेंस। सो टू कंटिन्यू देयर लीडरशिप एंड एंजॉयमेंट, दे विल नेवर स्ट्रगल ट्रूली फॉर पेंशन अपडेशन। और दोस्तों यही बताना चाहते हैं सारे रिटायरिस्ट, पेंशन अपडेशन होने के बाद ईपीआरएफ का कोई भी काम नहीं बचता है। IBA ने जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो लॉन्च किया है उसमें GST ज़्यादा है। इट मीन्स IBA फ्रॉम गवर्नमेंट GST व्हाट मोर टू एक्सपेक्ट फॉर कमिंग ईयर्स, नथिंग। EIBRF धरना प्रदर्शन के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि EIBRF का जो बात है वो EIBA भी नहीं सुनता है, IBOB भी नहीं सुनता। सो EIBRF और जो अदर जो रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन है उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रिटायरीज को कोई तरफ से ये लोग हेल्प नहीं कर रहा है। रिटायरीज को जो डिमांड है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमारे EIBRF। उसके साथ साथ IBA का जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वो 2020 से हम सुनते आ रहे हैं GST काम करना चाहिए, फैसिलिटी मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी फैसिलिटी, कोई भी GST काम नहीं किया है। उल्टा प्रीमियम हाई हो गया है, कुछ कुछ बैंकों ने जल्दी से जल्दी सैलरी प्रोवाइड किया है, कुछ कुछ बैंकों ने 2000 रुपया पेमेंट किया है, कुछ कुछ बैंकों ने लोन प्रोवाइड किए थे।